शिवजी के पास जाकर न्याय मांगता एक कौआ। प्रेरणादायक कहानी। जय श्री कृष्णा मित्रों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में आज एक ऐसी कहानी लेकर के आया है जिसे सुनकर के आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी और आप अपनी जिंदगी में कभी मायूस नहीं रहेंगे। कहानी का शीर्षक है कि एक कौआ अपनी जिंदगी से मायूस होकर किस तरह न्याय मांगने पहुंचता है कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास में, और किस तरह उस कौए को न्याय देते हैं भगवान शिव। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। बस आपसे निवेदन है कि हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहें, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। मित्रों, आइए अब आपका अधिक कीमती समय नष्ट न करते हुए, इधर उधर की बातें न करते हुए सीधे कहानी पर ध्यान देते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, एक कौआ एक वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ था। उसी वृक्ष पर एक कोयल भी बैठी हुई थी। इधर कौआ ने जब कोयल की तरफ देखा तो वह कौआ विचार करने लगा, अर्थात सोचने लगा कि मैं भी काला हूँ और ये भी काली है, अतः इसके रंग में और हमारे रंग में कोई अंतर नहीं है, फिर भी लोग इससे प्रेम करते हैं, खड़े होकर इसकी आवाज सुनते हैं, इसकी बोली सुनते हैं और हमको कंकड़ पत्थर मारते हैं। क्या खूबसूरत इसकी जिंदगी है जो लोग इससे इतना प्रेम करते हैं। चलो इसके सुख के बारे में हम इस कोयल से पूछते हैं। मित्रों, वह कौआ कोयल के पास में जाकर के बैठ गया और पूछने लगा, कोयल बहन आपकी कितनी मजे की जिंदगी है। कोयल बोली, क्यों कौआ भैया, आपको हमारी जिंदगी कैसे मजे की लग रही है। तभी वह कौआ कहने लगा, देखो ना, आपके रंग में और मेरे रंग में कोई अंतर नहीं है, फिर लोग आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कोयल बोली, वो कैसे। कौआ बोला, देखो जब आप बोलती हैं तो आपकी मधुर बोली लोग खड़े होकर सुनने लगते हैं और प्रेम मुक्त हो जाते हैं। इससे ये साफ जाहिर होता है कि आपको अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन हमें देखो, जब मैं बोलता हूँ तो लोग हमसे घृणा करते हैं और यहाँ तक कि हमारे ऊपर कंकड़ पत्थर फेंक के मारने लगते हैं, मेरी कोई भी आवाज सुनना पसंद नहीं करता। अतः कोयल बहन, भगवान ने हमारे साथ कितनी नाइंसाफी की है जो हमें ऐसा बनाया है। अब तो हमें अपने शरीर से घृणा होने लगी है। काश मैं भी एक कोयल होती तो कितनी मजे की जिंदगी होती। लोग हमारी आवाज सुनते तो हमारी आवाज सुनकर के प्रेम मुग्ध हो जाते। दोस्तों, कौए की बात सुनकर के कोयल कहने लगी, ठीक है, तुम्हारे साथ भगवान ने नाइंसाफी की है तो तुम भगवान के पास चले जाओ और उनसे कहो कि प्रभु हमें कोयल बना दो। दोस्तों, तभी वह कौआ उड़ता हुआ कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और भगवान शिव से कहने लगा, प्रभु हमारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी क्यों की है जो हमें कौआ बना दिया। लोग हमारी आवाज सुनना नहीं चाहते और जब मैं बोलता हूँ तो हमें मारते हैं, इसलिए प्रभु हमें अब अपने शरीर से घृणा होने लगी है। मित्रों, कौए की बात सुनकर शिवजी कहने लगे, कौआ परेशान क्यों हो रहा है, चलो हम तुम्हारे शरीर को बदल देंगे, बताओ तुम क्या बनना चाहते हो। दोस्तों, तभी वह कौआ कहने लगा, प्रभु हमें कोयल बना दो, क्योंकि जब वह बोलती है तो लोग उससे कितना प्रेम करते हैं। भगवान शिव कहने लगे, ठीक है कौआ, जैसी तुम्हारी इच्छा, परंतु कोयल से पूछ करके आओ कि उसे अपनी जिंदगी से तो कोई शिकायत नहीं है। मित्रों, तभी वह कौआ कोयल के पास पहुंचा और बोला, आपको तो अपनी जिंदगी से तो कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि आपकी तो जिंदगी मजे की है, आप अपनी जिंदगी से पूरी तरह संतुष्ट होंगी। कोयल बहन, कोयल कहने लगी, क्यों। कौआ बोला, हम भी कोयल बनना चाहता हूँ। दोस्तों, कौए की बात सुनकर के कोयल कहने लगी, कौआ भैया जो तुम सोच रहे हो वही एक दिन मैंने भी सोचा कि मैं मीठा बोलती हूँ तो क्या हुआ, परंतु देखने में भी मैं भी तो काली हूँ। कौआ बोला, मैं कुछ समझा नहीं। तभी कोयल कहने लगी, हे कौआ भैया,
अरे हम लोगों से तो अच्छा हंस है जिसका रंग सफेद है, जो देखने में कितना सुंदर लगता है। अतः कितनी मजे की उसकी जिंदगी है जो सुंदर से सरोवर में रहता है। मित्रों, तभी वे कौआ पुनः शिवजी के पास में पहुंच गया और बोला, प्रभु अब हमें कोयल न बना करके एक हंस बना दो। भगवान शिव ने फिर कहा, कौआ ठीक है हम तुम्हें हंस बना देंगे, लेकिन तुम हंस से पूछ करके आओ कि उसे भी अपनी जिंदगी से कोई शिकायत तो नहीं है, वो अपने शरीर से संतुष्ट है। मित्रों, वह कौआ फिर हंस के पास में पहुंचा और बोला, हंस भैया क्या आपकी मजे की जिंदगी है, आपका रंग सफेद है जो देखने में कितना सुंदर है, और आप इस सरोवर में रहते हो, जल में तैरते हो, अर्थात कितने सुंदर लगते हो, आपको तो अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं होगी। मित्रों, कौआ की बात को सुनकर के तभी वह हंस कहने लगा, अरे कौआ हमें तो अपनी जिंदगी से शिकायत ही शिकायत है। कौआ बोला, वो कैसे? हंस बोला, देखो ना भगवान ने हमारा ऐसा कलर बनाया है, बिल्कुल मुर्दे के कफन जैसा बिल्कुल सफेद बनाया है, और मैं हर समय जल में ही तैरता रहता हूँ, मोती जैसे पत्थरों को खाता रहता हूँ। लोग जब हमें देखने आते हैं तो मार मार करके हमें उड़ाते हैं और हमारी फोटो खींचते हैं, इससे खराब जिंदगी क्या होगी जो हमें हंस बना दिया। अरे हमसे तो अच्छा तोता है जो फलों वाले वृक्षों पर रहता है, क्या सुंदर सुंदर फल खाता है, क्या उसकी जिंदगी मजे की है। दोस्तों, हंस की बात को सुनकर के वह कौआ फिर शंकर जी के पास पहुंचा और कहने लगा, प्रभु अब हमें हंस ना बना करके एक सुंदर तोता बना दो। शिव जी कहने लगे, ठीक है कौआ हम तुम्हें तोता बना देंगे, लेकिन तुम तोता के पास में जाओ और उससे पूछ करके आओ कि उसे भी तो अपनी जिंदगी से कोई शिकायत तो नहीं है। मित्रों, अब वह कौआ तोता के पास में पहुंचा और कहने लगा, तोता भैया क्या जिंदगी है आपकी मजे की, कितना सुंदर आपका रंग है, कितने सुंदर आप देखने में लगते हो, आप फलों वाले वृक्षों पर रहते हो, सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल खाते हो, और आकाश में जब उड़ते हो तो कितने अच्छे लगते हो, इससे साफ जाहिर होता है कि आपकी जिंदगी सबसे सुंदर है और सबसे बेस्ट है। मित्रों, कौआ की बात को सुनकर के तभी तोता कहने लगा, अरे कौआ भैया तू कहां मूड खराब करने के लिए चला आया, तू तो शायद ये जानता है कि हमारी जिंदगी सबसे सुंदर है, लेकिन तुझे ये नहीं मालूम कि हमारी जिंदगी सबसे खराब है। कौआ बोला, तोता भैया वो कैसे? तभी तोता कहने लगा, सुने तुझे नहीं मालूम, देख मेरा रंग भगवान ने बिल्कुल हरा बनाया है, मैं वृक्षों पर रहता हूँ, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन जब मैं वृक्षों पर बैठता हूँ जैसा पत्ते का रंग होता है वैसा ही हमारा बिल्कुल हरा रंग है, लोग जब फल तोड़ने के लिए आते हैं मैं वहां वृक्षों पर बैठा होता हूँ, लोग डंडे मारते हैं और हमें देख नहीं पाते हैं क्योंकि हमारा रंग ही पत्तों के जैसा होता है, हमें मार भी खानी पड़ती है, उसके बाद में लोग हमें पकड़ के ले जाते हैं, पिंजरा में बंद कर लेते हैं और हमें मिट्ठू मिट्ठू कहकर के बुलाते हैं, इससे जिंदगी हमारी क्या खराब होगी। अरे हमसे तो जिंदगी उस मोर की है जो राष्ट्रीय पक्षी है और देखने में कितना सुंदर लगता है। दोस्तों, तोता की बात को सुनकर के कौआ फौरन फिर भगवान शिव के पास में पहुंच गया और कहने लगा, प्रभु माफ करना अब हमें तोता ना बना करके एक मोर बना दो। भगवान शंकर जी कहने लगे, कौआ चलो ठीक है हम तुम्हें मोर बना देंगे, लेकिन तुम मोर के पास में भी जाओ और उससे भी पूछ करके आओ कि उसे अपनी जिंदगी से तो कोई शिकायत नहीं है, वो अपने शरीर से संतुष्ट है। बोले ठीक है। दोस्तों, कौआ फिर मोर के पास में पहुंचा और कहने लगा, मोर भैया, मोर भैया। बोले हाँ, क्या जिंदगी है आपकी मजे की। मोर बोला, वो कैसे? कौआ कहने लगा, मोर भैया आप देखने में कितने सुंदर लगते हो, कितने सुंदर लगते हो, आपके पंख कितने सुंदर हैं, इन पंखों में कई रंगों के रंग भरे हुए पंख दिखाई देते हैं, और जब आप नाचते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं, लोग आपको देखने लगते हैं, आपकी फोटो को खींचते हैं, कितनी अच्छी जिंदगी है आपकी, आपको राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा भी मिला हुआ है। दोस्तों, कौआ की बात को सुनकर के तभी मोर कहने लगा, अरे कौआ क्या पागल हो गया है तू, हमारी जिंदगी मजे की समझता है। कौआ बोला, बिल्कुल। दोस्तों, तभी मोर समझाता हुआ कहने लगा, कौआ तुझे नहीं मालूम
हमारी जिंदगी भी खराब है। कौआ बोला, वो कैसे मोर भैया? मोर कहने लगा, अरे कौआ, तू जो ये कह रहा है कि हमारी जिंदगी ऐश की है, मजे की है, हम देखने में सुंदर लगते हैं, हमारे पंख सुंदर लगते हैं, हमें राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं, चल वो बात तो ठीक है, हमारे पंख सुंदर लगते हैं और इन्हीं सुंदर पंखों को देख करके लोग हमारे पीछे भागते हैं, हमारे पंखों को उखाड़ना चाहते हैं। जब मैं नाचता हूं तो लोग हमें देखते हैं, हमारी फोटो खींचते हैं और छिप करके हमें पकड़ने के लिए भागते हैं और हमारे पंखड़ों को उखाड़ते हैं, उखाड़ करके पंखों को ले जाते हैं और बाजार में बेचते हैं। यहाँ तक कि जो लोग हमारे सुहावने पंखों की चाहत में हमारा पीछा करते हैं और हमें मार भी देते हैं, हमारी हत्या कर देते हैं। कौआ, तुझे नहीं मालूम हमारी सुंदरता ही हमारी जान की दुश्मन है, क्योंकि इतना अगर मैं सुंदर ना होता तो लोग हमारा पीछा नहीं करते और हमें मारने के लिए नहीं भागते। अरे तेरी तो जिंदगी सबसे बढ़िया है और तू अपनी जिंदगी से परेशान हो रहा है, मायूस हो रहा है। अरे तुझे देख, तेरी तो जिंदगी आजादी की है, तू स्वतंत्र है, तू जहां भी बैठे, जिस व्रत पर बैठे, तुझे देख करके तेरी ओर कोई नहीं भागता, तुझसे कोई मतलब नहीं रखता, तू आजादी की जिंदगी जीता है और फिर भी तू अपनी जिंदगी से, अपने शरीर से मायूस हो रहा है, पागल है कौआ, तू जैसा भी है वैसा ठीक है, इसलिए तू उदास ना हो। दोस्तों, मोर की बात को सुनकर के कौआ के ठीक ठीक समझ में आ रहा था और कौआ समझ गया, हम अपनी जिंदगी से इतना मायूस हो रहे थे लेकिन हमारी जिंदगी, हमारा शरीर तो सबसे बढ़िया है। ये विचार करने के बाद में कौआ के आंखों में आंसू निकल आए और दोस्तों कौआ प्रसन्न हो गया और उसके बाद में भगवान शिव के पास में पहुंचा और कहने लगा, प्रभु हमें माफ करना, हम जैसे भी हैं, हम अपने इस शरीर में ही अब संतुष्ट हैं और ऐसी ही अब हम जिंदगी में खुश हैं और इसी जिंदगी में प्रभु हम खुश हैं, अब हमें कौआ ही रहने दो। दोस्तों, बार बार भगवान शिव को प्रणाम करने के बाद में कौआ वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें एक ये सीख मिलती है कि कभी भी अपनी जिंदगी की, अपनी लाइफ की, अपने शरीर की दूसरे से तुलना मत करो। भगवान ने जैसा भी हमें बनाया है अच्छा ही बनाया है, जैसा भी हमें बनाया है इस दुनिया में कुछ सोच समझ करके ही हमें बनाया होगा। दूसरों को देख करके हमें जलना क्यों? दूसरों की सुंदरता को देख करके हमारे अंदर मायूसी क्यों? दूसरे की धन और दौलत को देख करके हमें जलन क्यों? भगवान ने जैसा कुछ बनाया हमें अच्छा बनाया, जो भी दिया भगवान ने बहुत कुछ दिया, जो भी हमें मिला है उसमें ही संतुष्ट रहना हमारी इंसानियत है और हमारी जिंदगी है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर ये कहानी आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है मित्रों, तो हमारी वीडियो के लिए एक लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में, अर्थात किसी नई मोटिवेशनल कहानी के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शकों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।